सीबीआई में पिछले 2 महीने से छिड़ा घमासान उफान पर है। जब से निदेशक पद से आलोक वर्मा की छुट्टी हुई है तब से ये विवाद और ज्यादा गहरा गया है। इस तकरार के बीच अब सीवीसी जांच की निगरानी करने वाले पूर्व जस्टिस ए के पटनायक ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सवालों के घेरे में आलोक वर्मा नहीं बल्कि मोदी सरकार और सीवीसी है। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए जाने के बाद से सियासत गर्म है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी के फैसले के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है तो वही बीजेपी का कहना है कि सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। इसी सियासत के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने सीबीआई की साख को दांव पर रख खोस ली है, क्या वाकई वर्मा के दामन पर दाग है। हालांकि वर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, साथ ही इशारों में सीवीसी और मोदी सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। वर्मा के सुर में सुर मिलाते हुए सीवीसी की निगरानी रखने वाले रिटायर्ड जस्टिस ए के पटनायक ने भी मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं था, सीवीसी ने जो कहा वो अंतिम शब्द नहीं हो सकता। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पटनायक ने कहा कि सीवीसी को वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, ये पूरी जांच स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना की शिकायत पर की गई थी। इसी के आधार पर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जल्दबाजी में वर्मा को पद से हटा दिया। पटनायक ने कहा कि हम यहाँ एक संस्था के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए था। आपको बता दें कि सीबीआई में भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीवीसी ने 10 आरोपों में से 4 में वर्मा को दोषी पाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर सेलेक्ट कमेटी ने वर्मा को सीबीआई चीफ के पद से हटा दिया। इस सेलेक्ट कमेटी में पीएम मोदी, जस्टिस ए के सीकरी और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। ये फैसला 2-1 के बहुमत से लिया गया था। खड़गे वर्मा को हटाए जाने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने भी कहा था कि सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। वहीं अब सीवीसी की निगरानी करने वाले पूर्व जज ने भी यही बयान दिया है जिसके बाद सवाल फिर सुलग रहे हैं कि क्या आलोक वर्मा को फंसाया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।